किचन ही होता, किचन ही होता। आपसे सवाल पूछो, आपका दिमाग सर में या घुटनों में? किचन में किसमें? भाई घुटनों में, मरियम घुटनों में है तुम्हारा दिमाग अभी। ये क्या बात बोल दी तुम, कहाँ है घुटना कहाँ है? ऐसे के जब मैं आशा करी थी तभी मैंने पूछा है, अभी भी बोलिया है। अपनी दिमाग होता है आपके सर में क्या है, फिर उससे बना हुआ है तुम्हारा। हाँ इधर देखो, यहाँ पे क्या है तुम्हारा घुटना कहाँ? पहले ये तो कंफर्म हो जाए कि घुटना किधर है। घुटना पता चला दिमाग को ही घुटना बोल रही हो। अभी कहाँ है घुटना? यही कहाँ घुटना? अरे यार पता है इसको कि पैर में सर, ये खोपड़ी में क्या घुसा है? खोपड़ी के अंदर क्या है? गोबर। क्या गोबर? अल्लाह भाई हमारे से बोल रही गोबर। इधर देख मोटू, इधर देख है, इधर इधर मेरी तरफ देखो है। सबका दिमाग कहाँ होता है? इधर देखो, सबका दिमाग कहाँ होता है? मरियम सबका दिमाग कहाँ होता है? ऑप्शन तो दे कुछ है। सर में होता है, घुटने में होता है, मुंह में होता है, कहाँ होता है? अरे अलमारी में होता है। कहाँ होता है सबका दिमाग है? कहाँ होता है? इधर इधर देख के बोलो कहाँ होता है? है तो सर में होता तो तुम्हारा घुटने में क्यों है? देखो सबका सर में होता है, तुम्हारा घुटने में क्यों चला गया है? इधर देखो तुम्हारा घुटने में, मगर तो उसको दर्द लेके आओ ना तुम्हारा। क्या अवसर तुम्हारी बहन क्या करेगी अब बताओ हैं? इधर देखो मेरी तरफ जल्दी बताओ, तुम्हारा दिमाग घुटने में क्यों है? सबका सर में है तो तुम्हारा घुटने में क्यों आ गया हैं? कैसे आ गया घुटने में? सर में लाओगी उसको? सर में मैंने किया क्या? सर में नहीं लाओगी? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है खैर से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपके आपके बच्चों की सेहत इज्जत ईमान में अपने खैर बरकत अता फरमाए, आमीन। देखिए हमाद के पैर में तो तकलीफ है, मगर जो काम ज़रूरी है वो करना भी ज़रूरी है, इसलिए कि मरियम के जो है जैकेट का नाप देने के लिए तकरीबन हफ्ता 10 दिन से पहले से ही बात फिक्स हुई हुई थी कि हम जाके उस दिन नाप देंगे। तो बस मैंने हमाद को बता दिया कि बेटा शाम में चलना है और चल के वहाँ मरियम के जैकेट का नाप देना है। मगर जब हम वहाँ गए तो फिर क्या हुआ? मरियम है ना दा है? मैं मरियम वहाँ देखो कितने टेंशन में थी, शायरी को सुई लगवाने जाना था, अस्पताल जाना था। भाई को बोली थी ना 8 बजे आ जाना है, सुई लगवाने। बताओ कहाँ लगवाना है सुई? मुँह में या हाथ में या पेट में? ला ला कितनी गंदी है। क्या 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 होता है हर बात में? क्या क्या हटकते है? मरियम को भी लेके जाएंगे डॉक्टर के पास सुई लगाने, तो इसीलिए मरियम को थोड़ा जान शान वाला चीज खिला देते हैं। ना मैं धोती हूं, चलो खाओ। तो खाओ जल्दी से, खा लो मरियम। अभी मोती है तो आप भी खा लो फटाफट, ठीक है? शाबाश खाओ। और देखिए मरियम को हमने ऐसी झूठ झूठ कर डरा दिया था कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे सुई डलवाने, जबकि ये जैकेट का नाप देने के लिए जाना था। मगर देखिए जब हम जैकेट का नाप देने पहुँचे तो पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं भाई वो मिस सबीन ने तो मुझे मरियम का नाम ही नहीं दिया है, और फिर आप पहना सकेंगी और मरियम पहन सकेंगी, मतलब हज़ार बहाने उनके, और उन्होंने नाप नहीं लिया। तो खैर फिर मैं आ गई। अब वो कह रहे थे कि बहुत महंगा है, ये है वो है, मगर मिस सबीन ने बोला था कि आप कोई बात नहीं कीजिएगा, तो मैंने बात नहीं की। तो फिर खैर हम वहाँ से आ गए, और ये देखिए अब दूसरे दिन पहुँच गए हम सिंध गवर्नमेंट लेके मरियम को, कि वहाँ बोला था कि एक टेस्ट तो हो ही जाएगा मरियम का, मगर यहाँ भी यही हुआ कि सुबह सुबह हम आके 8 बजे यहाँ बैठ गए, और डॉक्टर ने भी खैर सारा काम कर दिया, मगर ये हुआ कि जब हम लेबॉर्ट्री में गए तो पता चला कि नहीं भाई ये वाली मशीन ख़राब है। चलो भाई वहाँ से निकले, बाहर भी एक लेबॉर्ट्री थी, मगर हमाद ने बोला कि नहीं इसका तो नाम ही कभी नहीं मैंने सुना है, तो रहने दे फिर ना, यहाँ नहीं करवाते हैं टेस्ट। तो फिर हम घर आ गए, बल्कि नहीं घर नहीं आ गए, लिफ्ट तो बंद हो चुकी थी। तो फिर हमाद ने बोला कि ऐसा करें स्कूल चली जाएँ, तो मैं स्कूल आ गई, और देखे इतने दिनों बाद स्कूल आई। तो फिर मिस जो है ओटी में मिस इकरा ने बोला कि मरियम जो है ना बिल्कुल एक्सरसाइज सही से नहीं कर रही है। तो जाहिर बात है इतनी दिन छुट्टियां हो गई ना, तकरीबन हफ्ता दिन छुट्टी हो गई ना जो है, तो इस वजह कर मरियम थोड़ा सा घर पे भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं की थी, तो थोड़ी सुस्त हो रही थी। खैर वहाँ मिस सबीन से बात की तो पता चला भाई कि वो असल बात यह है कि वो बहुत महंगी, सब बच्चों की बन रही ना, इतनी महंगी नहीं है, मरियम की थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ही महंगी हो रही है, तो तकरीबन 12,000 की जैकेट बनेगी, इसलिए उन्होंने हमें मना कर दिया था कि पता नहीं हम बनवा सके या नहीं बनवा सके। खैर
अब क्या बोले, अभी तो जहन बहुत ख़राब हो रहा है क्योंकि मरियम का MRI भी करवाना है। देखिए मरियम का टेस्ट भी नहीं हुआ सिंध गवर्नमेंट में। मैं कभी बुड़ 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 कर रही हूँ। नहीं नहीं अब नहीं, ठीक है कर दिया मैंने, आप जगह चुप कर दो। नहीं नहीं अभी करो करो, ये मैंने छोड़ू पापा छोड़ू, ये नहीं तो पंगा मेरी मेरी मुन्नी को, मेरी मुन्नी को तंग करती मुन्नी बेटी, मुन्नी बेटी मुन्नी बेटी आपका बर्थडे का सामान मंगवा दूँ? ए मां दो ना बर्थडे का सामान मंगाना है। सिरी की रही है बोलो मंगाऊ की नहीं मंगाऊ? ये देखो ऊपर ऊपर थोड़ा सा ऑरेंज लगेगा भी है ना। ये मेरी बेटी है, वाह ये देखिए ये दूसरी बेटी भी आ गई। ये टैलेंटेड हफ्सा है और ये लड़ाकन मरियम है ना। तो देखिए हफ्सा, आपसे बताइएगा हफ्सा को कोई एक चैनल शुरू करवा दे क्या है? हफ्सा के पास टाइम नहीं होता है ना, बस ये है कि जहाँ टाइम मिला बस यही सब कुछ ना कुछ कारगरी करने लगती है। मैं तो जब से ही हुआ कि हफ्सा फजूल काम नहीं करो, मगर देखिए मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, ये इतना खूबसूरत है ना माशाल्लाह। अल्लाह पाक मेरी बच्ची को हर बुरी नज़र से बचाए और हासिदीन के हसद शैतानों के शर से बचाए, आमीन। हाँ मतलब लोग हसद से भी देख लेते हैं, अरे हफ्सा वो देख याद नहीं है ब्लॉग थ्री, अरे हफ्सा तो ये करती है, वो वाले वो हासिदीन के हसद और शैतानों के शर। और ये देखें ये मौतू आ गई है घर में भरा हुआ धुआं क्योंकि रोटी पकी है अभी अभी। और देखें हमने पकाई थी सुबह सुबह गरम गरम गाजर की खीर यानी कि गजरेला, मगर ऐसी इमरजेंसी हुई कि खाने के बाद हमें याद आया कि वीडियो बनाना है। तो असल बात ये हुई कि अमान ने बोला मैं ऐसे करता हूँ कि लेबॉरेटरी वालों को घर पे बुला लेता हूँ मरियम का टेस्ट करवा दें, और सेम रेट ही ले रहे थे जो बाहर जाके करना था, तो फिर क्यों इतना परेशान होते मरियम को लेके जाते उठाना बिठाना गाड़ी का किराया। नहीं मरियम को तो लगता ही कम है, ये तो पता नहीं कितने 7-8 साल बाद है कुछ नहीं हुआ शुक्र तो वैसी बात है तो कुछ होता तो बहादुर बच्ची हमारी बहादुर बच्ची तो देखो बुरी जा रही है सीधा। कोई मतलब हुआ था? कुछ मतलब हुआ था मैया? तो आप ऐसे गुच्छा गुच्छा क्यों बैठी हुई हैं? इधर देखो दर्द हुआ था लेकिन बोलने वाले क्या लग रही है? हाँ ना यहाँ से गाल फुला ली है, गुस्से में फुला ली है क्या? मुझे भी लग रहा है, मेरे मुँह उठाओ। गुस्से में लग रही है, अलग लग रही है, मुँह उठाओ। हाँ ना गुत्ते में हो तो ऐसे गोलू मोलू, ज्यादा गोलू मोलू लग रही फुटबॉल की तरह। अच्छा सुनो तो दर्द हुआ है? नहीं मैंने कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे कल ऐसे क्या यहाँ से थोड़ा सा खून लिया और लेके भाग गया। मच्छर करता है, मच्छर आता है, मच्छर भी तो आगे शिव करता है, खून पीता है, भाग जाता है ना। बस उन्होंने स्टिकर लगा दिया, ठीक है इधर देखो सही है गुड़िया, इधर देखो कोई मसला नहीं हुआ ना, बोल दो ओके ऐसे बोलो, इधर देखो ऐसे ऐसे करके बोलो ओके, अंगूठा दिखा के बोलो ना तब मैं ऐसे ओके ओके। अब सब बहुत डरा रही थी ना है ना, तुम बहुत डरा रही थी ना अपनी को गंदी बच्ची। मरियम डरती नहीं है, मरियम तो बहादुर ली है ना। कैसे क्या ना ऐसे बोले, भाई भी तारीफ कर रहे थे ना, बोले तो ये तो बहुत अच्छी बहुत बहादुर ली, एक्सपर्ट होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दिखाओ मरियम मुझे भी दिखाओ, किसका लिपोते है? आपका लिपोते है, देखिए इसमें मरियम नाम लिखा हुआ है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, प्लीज वीडियो को फुल वॉच
करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।